सा फंक्शन हो रहा है ना, उस फंक्शन की जो है तैयारियां शुरू हो गई। ये रास्ता जो है बना रहे हैं, पूरा सही कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जो इतनी सारी है रखी हुई है ना, तो यहाँ पर ये पूरी फैला देंगे, ये पूरी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज माशाल्लाह से ये मिट्टी वगैरह मैंने सारी फैला दी है और रास्ता देखे कैसा हो गया, माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हो गया। एक दो दिन ये पानी इसको लगाते रहेंगे, ये जगह बिल्कुल सही हो जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। और आज सारा दिन हो गया दुआ को कपड़े धोते धोते, मैं आपको दिखाता हूँ, इतने सारे कपड़े जमा हुए हुए थे और दुआ ने आज इतने सारे कपड़े धोए हैं। ये देखिए, ये सारे कपड़े लगाए हैं दुआ ने, सुबह से लगी हुई है कपड़े धोने में। और आज तंदूर की भी लिपाई की है। और दुआ ने एक और जुगाड़ किया, ये कढ़ाई नहीं टूटी थी हमारी, जो कढ़ाई मिट्टी की थी, उसका ढकना फिर इसके लिए इस्तेमाल में ले लिया, तंदूर के इस्तेमाल में ले लिया, क्योंकि बारिश वगैरह जो भी आता है ना, रोटी वगैरह जब भी पका लेंगी ना, दुआ कह रही थी कि मैं इसके ऊपर फिर ढक दूंगी ताकि ये सेफ रहेगा, इसका तंदूर का ढकना बन गया। अंदर से मैंने निकाला ना, मैंने कहा दुआ ये तो किसी काम का नहीं। दुआ ने कहा नहीं, ये काम का है, इसको मैं तंदूर पे देती हूँ। का ये टप वगैरह ये सारा कुछ ये उसने धोया, ये छन्नी वगैरह सारा कुछ। आज सुबह से काम में लगी है, मसरूफ़ है, इतनी बहुत मसरूफ़ है। अभी कपड़े लगे हुए हैं, अभी भी दुआ कपड़े धो रही है, थोड़े से ये कपड़े बचे हुए हैं और एक चक्कर ये लगा हुआ है, तकरीबन एक चक्कर डला हुआ है और एक चक्कर अभी पड़ा है, दो चक्कर अभी बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफ्ज अमान में रखे। जी, हमारे जो छोटा सा फंक्शन हो रहा है ना, उस फंक्शन की जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। घर की सफाई सेटिंग वगैरह तो वैसे हमने कर ली थी, लेकिन जो कुछ रहती थी ना, मैंने कहा वो भी आज जो है हम फाइनल कर ही लेते हैं। और कपड़े, कोई इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, पहनने के भी नहीं थे, इसमें से तो कुछ सूख गए हैं कपड़े, वो मैंने उतार लिए हैं। एहतिशाम और अजान के कपड़े जितने मेरे कपड़े हो रहे हैं ना, उतने एहतिशाम और अजान के कपड़े थे, उससे भी कोई ज़्यादा थे। और ये दूसरा के है ना, कपड़े वगैरह जो है धुल रहे हैं अभी भी, सुबह से धोई है, मशीन लगाई है मैंने। और ये आटे वाले टप वगैरह जो है ये भी धो लिए हैं। और दूसरा जो है, मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ यहाँ की, जो कि यहाँ पर पहले अलमारी रखी हुई थी ना, यहाँ की अलमारी हटा दी है और यहाँ पर जो है ना पेटी को हमने इधर कर दिया है। और ये काफ़ी कमेंट इसलिए भी आए थे, ये आए थे कि आप संदूक जो है पेटी अंदर रख दें स्टोर में, लेकिन ये अंदर नहीं जाती, क्योंकि ये देखें ये जगह आप कितनी है, ये जगह कम है और छोटी है वो जगह ये। जगह जो है वो मतलब उसकी स्पेस ज़्यादा है। फिर इधर से भी स्टोर से भी नहीं आना था, आए इधर भी दिखाएं। तो आज यहाँ की सेटिंग हमने किस तरह से की, अभी भी मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, सुबह से कोई मशीन लगी है। अलमारी जो है इस तरफ कर दी है, देखें इस तरफ जो है ना यूं अलमारी कर दी है, इसमें बिस्तर वगैरह रख दी है। और जो है ना जो भी कार कबाड़ जो भी होता है ना, सारा कुछ हमने सेफली रख दिया, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो रख दी है, पंखा स्टैंड यहाँ पर, टोकरी वगैरह, यहाँ की पूरी सेटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस घर की सेटिंग सफाइयाँ बस यही चल रही हैं अभी। और कल इंशाल्लाह जो है ना, बड़ी चारपाई जो मैं कह रही हूँ यहाँ पर लगाऊंगी, और दूसरी जो है ना यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, उसके ऊपर चादरें भी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है ना सेटिंग पूरी करेंगे। कपड़े चादरें दो दो पड़ी थी ना, दो हैं चादरें जी, लेकिन नई लेंगे अभी, तो चले फिलहाल गुजारा कर लेंगे, फिर बाद में इंशाल्लाह जो है ना न्यू लेंगे, पर्दे भी और जो कि है ना चादरें भी। तो इसका जो है ना, ये कपड़े कुछ रहते हैं अभी ये धोने वाले, उनको भी धोंगी अभी, आखिरी काम ये रह गया। एहतिशाम जा रहे हैं उधर, क्या जा रहे थोड़ा सा हैं आप? सामान वगैरह बल्कि लेने सामान हैं। लेने के लिए जा रहे हैं। सामान कौन सा लेने के लिए जा रहे हैं? डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं। भेज भी मैं ही रही हूँ और मेरे जहन में नहीं आ रहा कि क्या लेने जा रहे हैं। तो जो डेकोरेशन करेंगे ना, छोटी मोटी सी, जो हम फंक्शन कर रहे हैं ना छोटा सा,
तो उसको हम कहते हैं कि भाई खुशी से करें और बहुत ज़्यादा जो मतलब अच्छा करें, मतलब हो खूबसूरत भी लगे, आप सबको भी देखने में और हमें भी जो है ना अच्छा लगे कि ना डेकोरेशन करने में, क्योंकि आपको पता है हमारा न्यू घर है और न्यू घर की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा है, आप सबको भी और हमें भी, तो इसी न्यू घर की खुशी में भी कुछ ज़्यादा थोड़ी सी मतलब कि डेकोरेशन अच्छी सी करेंगे। मैं कह रही हूँ कि डेकोरेशन जो है ना यहाँ पे करेंगे, सिर्फ एक ये काम रह गया हमारा सीढ़ी वाला, ये सीढ़ी जो है ना यहाँ से, ये कह रहे हैं काफ़ी कि ना आप यहाँ से सीढ़ी हटा दें वहाँ पर रखें, इंशाल्लाह सीढ़ी जो है ना कल सुबह वहाँ पर मिलेगी। अभी मैंने क्या करना है, तो शाम ने तो चले जाना है अभी सामान लेने के लिए डेकोरेशन का, जो भी होगा ये आगे आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने क्या करना है, आटा टप में डालना है और दूसरा जो कपड़े निकालती हूँ और जो कपड़े रहते हैं वो भी धो लेती हूँ। और दूसरी एक और बात, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबकी मोहब्बतों की वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह से आज अजान को लेने के लिए एहतिशाम गए ट्यूशन से, अजान जैसे कि ट्यूशन और स्कूल साथ ही पढ़कर आता है तो ट्यूशन से लेने के लिए गए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई मिल गए एक जो के हमारे फैन थे एहतिशाम के, अजान को आवाज़ दी, अजान अजान अजान, एकदम परेशान एहतिशाम परेशान हैरान कि कौन है भाई अजान को, शायद अजान के सर वगैरह बुला रहे होंगे इस तरह से। तो उन्होंने कहा हम आपकी जो है वीडियो देखते हैं, हमारी फैमिली वीडियो देखती है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमें मिल गए यहाँ पर, तो इतना कोई खुश होकर आए थे शाम और अजान बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन एहतिशाम के पास मोबाइल नहीं था कैसे ना उस टाइम मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। जी, एहतिशाम के पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो ये वीडियो बनाते और जो है ना ये आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं, और उनका नाम क्या है, उन्होंने नाम भी बताया शेख आपको, जमील साहब, शेख जमील साहब का, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इज्जत दी एहतिशाम को, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा मेरी फैमिली को यकीन नहीं होगा एहतिशाम और अजान की, उन्होंने पिक्चर ले ली अपने मोबाइल में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और मजे हम की बात देखो, उनके घर के करीब पढ़ने जाता है आता। जी अजान उनके घर के करीब ही पढ़ने के लिए जाता है, तो उन्होंने क्या फिर नंबर भी ले लिया, फ़ोन नंबर कहा कि जी, आप हमें दे दें, हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि हम वो आपसे समझ रहे मिले। थे कि वो घर के करीब ही पड़ता है। अच्छा आप इतनी दूर आते हो, अच्छा मैंने कहा इतनी दूर आते हैं हम। तो ये काफ़ी दूर हो जाता है, हमें तो वाकई में ये दूर होता है, लेकिन क्या करें मतलब इधर इतना अच्छा नहीं था ना, तो इस वजह से शहर की तरफ अजान को लगाया, तो यही आज बड़ी खुशी हुई, अजान में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और एक और बार भी हमें जो है ना मार्केट में जो एक लेडीज मिली थी, तो वो भी क्या ना मैंने इसी तरह से मुझे उन्होंने पहचान लिया था, तो ये सब आप सबकी मोहब्बत की वजह से माशाल्लाह से मिलते हैं बहन भाई है, सब आपके प्यार की वजह से जो है इतनी इज्जत मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी एहतिशाम जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि आप आएंगे तो जो भी सामान लेकर आएंगे ना तो वो इसी वीडियो में हम दिखा भी दें, मैं कह रही हूँ, और मैं जब तक जो है कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, चलो ठीक मैं है, जाता हूँ, जल्दी जल्दी सामान लेके आ जाता हूँ। मैं कुछ पकाने के लिए भी लेकर आ जाइएगा, पकाना क्या है आज? जो भी आपका दिल करे वो ले आइएगा, सब्जी खानी है क्या? खाना है? कुछ भी ले आइएगा जो आपका दिल करे ले आइएगा। फाइनली मैंने ये पसंद की है और दूसरी वो भी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने येलो ले लिया है। टाइम काफ़ी हो गया मुझे, फाइनल मैंने ये ले लिया। येलो कलर मुझे समझ आया, मैंने ये ले लिया। एक ही कलर मैंने लिया, चेंज नहीं लिया। इधर से मैं इधर मार्केट आया हूँ, जिधर से ये सारा सामान मिल रहा है। अब चलते हैं घर जल्दी जल्दी। तो फाइनली एहतिशाम आ गए, शुक्र है, मुझे लग रहा था कि जो है एहतिशाम अभी पूरी रात गुजार कर ही आएंगे, क्योंकि जब ये बाहर जाते हैं ना तो टाइम ट्रैफिक काफ़ी बहुत लगा कर होती है, आते हैं। आप बाहर चलो तो पता चले ना, बहुत ट्रैफिक होती है। चलें ये तो ठीक है कि आराम आराम से चलाया करें, लेकिन मुझे लगता है कि आप तेज़ गाड़ी चलाते होंगे, एक तो पीछे ये खतरा लगा रहता है मुझे कि गाड़ी के में तो इतनी बाइक तेज़ चलाते हैं जिसकी कोई आराम से इंतहा चलाता नहीं हूँ है। मैं, सुकून से। तो फाइनली जो है ये लेकर आ गए, हमारी जो कि फंक्शन की तैयारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई है, तो ये चीज़ लेकर आ गए, ये लड़िया मैंने कहा था कि रेड कलर की लेकर आएंगे लेकिन ये येलो में ले आए, चलें येलो खैर। मैंने इसलिए लिए क्योंकि कपड़े भी रेड हैं और सब चीज़ रेड रेड, फिर नज़र तो आएंगी नहीं। फिर आप हाँ ये भी है, ये तो मैंने सोचा नहीं, इस वजह से मैंने येलो ले ली मैंने। जहन है माशाल्लाह एहतिशाम का, मैंने नहीं सोचा ये, लेकिन ये बहुत अच्छा कलर, ये भी अच्छा लग रहा है, और ये लेकर आए बेबी शावर का जो है ABCD है ना हाँ अल्फाबेट, जी अलग यस, अलग होगी ये, तो ये भी लगेगी, इस वजह से आपने शायद लिया होगा कि भी कलर इसमें मैच ना हो जाए ऐसे, तो बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलें जी माशाल्लाह से।
तो आप सबने बताना है ये कैसे लग रही है। तो इंशाल्लाह इसकी जो है डेकोरेशन करेंगे कल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह इसकी जो डेकोरेशन होगी ना वो हम कर लेंगे और फाइनल कर लेंगे, और जो भी होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आ रही। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।